हे गाइस, वेलकम टू द ई लर्नम यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका एजुकेटर वीरेंद्र सिंह। सो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए कि DPT GRF की प्रिपरेशन आप लोग कर रहे हैं। मेरे पास कई सारी क्वेरीज आई थी कि सर 2013 या 14 के जो उसके अलावा मतलब 2015-16 सबके क्वेश्चंस में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं। सो लेट मी टेल यू लाइक गाइज, पहले जो था 2017 से पहले DBT में सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी आती थी, मतलब उसमें एलिजिबिलिटी भी सिर्फ बायोटेक्नोलॉजी की थी। आज भी वो डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी का है, उसमें जो है पहले सिर्फ और सिर्फ BTech बायोटेक्नोलॉजी या BSc MSc बायोटेक्नोलॉजी या MTech बायोटेक्नोलॉजी ही एलिजिबल थे, जिसकी वजह से बायोटेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स को ज़्यादा फोकस किया जाता था और उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते थे। इसीलिए 2017 से पहले के जो पेपर्स आप देखेंगे, यू विल फाइंड मोर न्यूमेरिकल्स एंड मोर बायोटेक्नोलॉजी कॉन्सेप्ट ओरिएंटेड टॉपिक्स एंड ऑल। और 2017 के बाद के पेपर्स अगर आप एनालाइज करोगे तो यू विल फाइंड द मिक्सचर ऑफ लाइफ साइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी क्वेश्चंस। ऐसा इसलिए क्योंकि 2017 के बाद जो है लाइफ साइंस को भी अलाउ कर दिया गया था DBT GRF एग्ज़ाम देने के लिए। जो लाइफ साइंस के कैंडिडेट थे जैसे बायोकेमिस्ट्री ये सब, तो उनको भी अलाउ कर दिया गया। अब ऐसा है कि क्योंकि सिलेबस में उन्होंने चेंजेस बहुत तो किए नहीं, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चंस का पैटर्न है या क्वेश्चन की जो वैरायटी है उसमें चेंजेस ज़रूर देखने को मिले हैं, क्योंकि एक नाइंसाफ़ी हो जाएगी कि आप लाइफ साइंस के बच्चों को अलाउ भी कर रहे हो और सिर्फ क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी स्ट्रीम के बच्चों के लिए पूछे जा रहे हैं, तो लाइफ साइंस वालों तो वैसे ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, उसके लिए बैलेंस नहीं रहेगा। इसी वजह से क्वेश्चन का लेवल बैलेंस रखा जाता है। इन नाउ टाइम या 2000 जो अभी आपका 21 में क्वेश्चन पूछा जाएगा या जो एग्ज़ाम होने वाला है, अगर उसके पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, सो डेफिनेटली दिस इज़ लाइक कि मिक्सचर ऑफ क्वेश्चंस होने वाले हैं। सो अगर आप 2020 का क्वेश्चन उठा के देखिए, येस देयर वर सम न्यूमेरिकल्स एंड देयर आर लाइक सम क्वेश्चंस जो कि थोड़े अलग लेवल के भी थे, बट अगर आप देखोगे तो मिक्सचर काइंड ऑफ क्वेश्चंस थे। ऐसा नहीं कि हाँ आपको जैसा पहले पूछा जाता था DBT के पेपर में वैसी चीज़ें। इसीलिए आप सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि न्यूमेरिकल्स पे फोकस या सिर्फ और सिर्फ पहले के पर्सपेक्टिव से हिसाब से कि बायोटेक्नोलॉजी ही पढ़ ले, तो वो एक सही अप्रोच नहीं है। पढ़िए, डेफिनेटली पढ़िए, बट मिक्सचर बैलेंस बना के रखिए, अपने बेसिक्स पे काम करिए, जो आपको आता है उसको अच्छे से करिए और उसके बाद उन चीज़ों पे जाइए जो आपको नहीं आता या आप नया पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सम पीपल्स आर देयर हु आर ट्राइंग टू लाइक कॉप अप विथ IPR, सर IPR पढ़ा दो, सर जीनोमिक्स एंड प्रोटोमिक्स पढ़ा दो, सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो। भाई साहब, कई ऐसे लोग जिन्होंने IPR कभी पढ़ा नहीं है, IPR जिसको नहीं पता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में बता दो, वो पहली बार पढ़ेगा, पढ़ तो लेगा लेकिन फिर भूल जाएगा। और अगर आप क्वेश्चन का लेवल या क्वेश्चन उठा के देखोगे तो IPR से एक दो क्वेश्चन आते, से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता। तो आप लोग जो है अपना फोकस कहाँ पे रख रहे हो ये ध्यान रखना, समय बहुत कम बचा हुआ है। अगर समय बहुत कम बचा हुआ है ना, तो इट इज़ समथिंग लाइक कि आप अपने समय का सही यूटिलाइजेशन करें। 20 दिन बचे हुए ऑलमोस्ट, और उस 20 दिन में ढंग से अगर नहीं किया ना तो बहुत ही दिक्कत होने वाली। सो व्हाट एग्जैक्टली आपको करना क्या है, आप जो है स्पेसिफिक तरीके से कहते ना, स्पेसिफिक तरीके से पहले जो आपको आता है, जो आप कर सकते हैं उनको करिए। एंड PYQs डेफिनेटली DBT में लॉट्स ऑफ PYQs होते हैं, मतलब लॉट्स ऑफ टॉपिक्स वराइटीज़ होती है, जिसकी वजह से आप उनको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो यू विल फाइंड लाइक कि आप जो हैं आसानी से चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। इसके अलावा जो है आप गेट के PYQs भी दे सकते हैं, गेट बायोटेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंस के PYQs, जिससे क्या मिलेगा ना कि आपका जो प्रिपरेशन है वो और भी इन्हांस हो जाएगा। सो PYQs तो करते रहिए और उन चीज़ों को पहले सीखिए जो कि आपको आता है, रेदर देन उन चीज़ों को जो आप पहली बार सीख रहे हैं, क्योंकि पहली बार सीखेंगे तो मे बी उससे क्वेश्चन गलत करने के चांसेस भी ज़्यादा रहते हैं। बट स्टिल और ये चीज़ देखिए कि आप वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यानी उस वेट कहते कि उस यूनिट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जिससे क्वेश्चन आते हैं, या उस यूनिट पे फोकस करें जिससे लेस नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं। सो ये तीन चीज़ें ज़रूर ध्यान रखे रहिएगा। पहली चीज़ कि मैंने यहाँ पे टॉप 3 टिप्स में जो आपको बताया कि आपको पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आप बहुत पीछे के क्वेश्चंस के हिसाब से वरी मत करिए। दूसरा ये है
कि जो आपका स्ट्रेंथ पॉइंट है उसको पहले फोकस करिए वीक पॉइंट के अलावा। एंड तीसरा, ये जो मैंने आपको स्पेसिफिकली डिस्कस किया कि आप जो भी कर रहे हैं स्पेसिफिकली उस चीज़ में गेट डीबीटी या इन सब के पीवाई क्यूज़ को भी इंक्लूड, गेट बायोटेक और गेट लाइफ साइंस के पीवाई क्यूज़ को भी इंक्लूड कर सकते हैं। सो ये टिप्स ध्यान रखे रहिएगा और होप कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम के क्लियरेंस में। और अगर आपको किसी भी टिप्स की ज़रूरत है तो आप बता दीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग, बाय बाय। अगर पूरा करना हो CSIR का सपना तो मेहनत से बढ़कर कोई संकल्प नहीं। जब बात हो बेस्ट तैयारी की तो अनएकेडमी से बेहतर कोई विकल्प नहीं। अनएकेडमी का एक टॉप एजुकेटर जिसे वीरेंद्र सिंह के नाम से जानते हैं, अपने स्मार्ट टीचिंग से वो कईयों के सपने पूरे कराते हैं। जुड़िए अनएकेडमी के साथ और ले जाइए अपना CSIR अपने साथ। देखिए वीरेंद्र सर की फ्री क्लासेस, अपनी तैयारी आजमाने के लिए और यूज करिए रिफरल कोड वीरेन 10% डिस्काउंट पाने के लिए।